भाई एक बात बताओ कि हम लैपटॉप को असेंबल क्यों नहीं कर सकते ओहो क्या सवाल है तो ये भाई साहब लैपटॉप असेंबल करना चाहते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि अगर हम सोच के चलते भाई मतलब दुनिया में कुछ भी हो सकता है समझ रहे हो आप तो अगर हम लैपटॉप असेंबल करना चाहें तो क्या परेशानी आएंगी और असेंबल्ड लैपटॉप क्यों नहीं होते इस दुनिया में देखो भाई लैपटॉप कंप्यूटर जैसे ही है लेकिन बहुत अलग है वो भी कंप्यूटर ही है पोर्टेबल कंप्यूटर कह सकते हो आप अपने लैपटॉप को और आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो भी एक कंप्यूटर ही है ठीक है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हालांकि इसके कंपोनेंट छोटे होते हैं ये बैटरी पर चलता है ये मुड़ के आपके बैग में आ जाता है और वो वाला आपके टेबल पर रखा रहता है कैबिनेट वगैरह होते हैं बड़ा होता है थोड़ा सा थोड़ी उसमें हवा जाने की होती है लेकिन इसमें हवा जाने की इतनी जगह नहीं होती तो भाई दोनों हैं ही कंप्यूटर लेकिन जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसके कॉम्पोनेंट आप अलग अलग लगा सकते हो जैसे कि अगर हार्ड डिस्क आएगी तो आप असेंबल कंप्यूटर जितने भी असेंबल कंप्यूटर ले लो उसमें एक जैसे ही हार्ड डिस्कें लगती हैं उनके जो पोर्ट हैं उनके जो स्लॉट हैं आपके मदरबोर्ड में वो एक जैसे ही होते हैं पी सी आई एक्सप्रेस स्लॉट होता है रैम का स्लॉट होता है आपका सी पी यू का सॉकेट होता है तो ये अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं और ये डेस्कटॉप के गिने चुने ही हैं उसी के हिसाब से प्रोसेसर आते हैं जनरेशन के हिसाब से और वही स्लॉट वगैरह नॉर्मली होते हैं ज़्यादा कुछ बदला नहीं है हाँ, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है टाइप थोड़े से चेंज हो जाते हैं पिंस का फर्क हो जाता है थोड़ा बहुत बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पावर सप्लाई बाकी कुछ ज्यादा बदलता नहीं है चीजें कुछ ऐसी होती है अगर आप एक बार कोई कंप्यूटर असेंबल कर लो तो आपको आगे भी कोई कंप्यूटर असेंबल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको पता होगा एल क्या पोर्ट होता है पी एक्सप्रेस स्लॉट क्या होता है सी के सॉकेट कौन से होते हैं कौन से क्या क्या लगेगा आपको पता रहता है है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन लैपटॉप जो एक चीज़ है भाई वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है ब्रांड टू ब्रांड अब हालांकि कंपोनेंट तो इसी में भी काफ़ी सेम होते हैं लेकिन जो मदरबोर्ड का साइज़ होता है वो अलग अलग लैपटॉप का मेरे ख्याल से अलग अलग साइज होता है कोई छोटे लैपटॉप होते हैं कोई 12 इंच का होता है कोई 15 इंच का होता है तो उसकी जो अंदर की जो मदरबोर्ड होगा उसका साइज़ होगा वो बहुत अलग होगा सी डी ड्राइव डी ड्राइव ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं डिज़ाइन के लिए कि वो अलग अलग होती हैं और उनके फर्मवेयर होते हैं उनके कुछ अलग एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग बूट टेक्नोलॉजी आ जाती है लेनोवो की अलग आ गई है एचपी की अलग हो गई हैं अलग अलग बायोस अलग आ गए हैं तो दस तरह के लफड़े हैं अब आप लैपटॉप अगर असेंबल कर भी लेते हो तो आपको एक यूनिवर्सल कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सल लैपटॉप का तो कोई कैबिनेट आता नहीं है <laughs> मैंने तो देखा नहीं अभी तक कि भाई एक कैबिनेट है के सागर भाई ये लो ये लैपटॉप का कैबिनेट है इसमें कोई भी लैपटॉप के कंपोनेंट लग जाएंगे ऐसे लग जाएंगे ऐसा तो नहीं होता अलग अलग लैपटॉप के अलग अलग डिजाइन है कोई मदरबोर्ड आता है उसमें कोई बोर्ड नहीं आएगा कोई कार्ड चलेगा नहीं चलेगा स्क्रीन के साइज अलग है स्क्रीन के पत्ते अलग हैं अब स्क्रीन के पत्ते से क्या अब मुझे मालूम नहीं उसे क्या बोलते हैं बट जो आपकी जो एलसीडी स्क्रीन लगी होती है आपके लैपटॉप में उससे एक तार आ रहा होता है एक रिबन केबल बोलते हैं शायद उसको वो आ रहा होता है वो पूरा आपके मदर में लगता है उसकी भी पिन में बहुत वेरिएशन होती है अलग अलग तरह की होती है इसीलिए आप एक लैपटॉप को असेंबल नहीं कर सकते लेकिन हाँ अगर आपका कोई एक कंपनी का लैपटॉप है जो कि खराब हो गया है तो आप उसी मॉडल के कंपोनेंट नए खरीद के लगा सकते हो अगर आप इसको असेंबल कहते हो हालांकि इसको नहीं कहते हैं तो आप ये कर सकते हो जैसे कि मेरा अगर एच का लैपटॉप है मॉडल कुछ भी एक्स वाई जेड उसके अगर हार्ड डिस्क खराब हो गई या उसकी स्क्रीन खराब हो गई तो मैं उसी मॉडल की वो स्क्रीन लाकर उसमें लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सेम मॉडल की है और आराम से फिट हो जाएगी तो ऐसे लोग हैं और मैं भी हूं कि लैपटॉप को पूरा खोल के पार्ट पार्ट अलग करके असेंबल कर सकते हैं मुझे भी आता है मैं कर लेता हूं और बहुत ईजी है इस वीडियो को देखने वाले बहुत लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हैं थोड़े से भी मिस्त्री होंगे मेरे जैसे मैं एक बहुत पुराना मिस्त्री मैं आपको बता दूँ जब मैं छोटा था ना तो मैं बच्चे खिलौनों से खेलता था पेचकस से खेलता था तो काफ़ी पुराना मिस्त्री मैंने बहुत चीज़ें खोली हैं कैलकुलेटर तो घर में मैंने छोड़े ही नहीं मेरे माँ बाप बहुत दुखी थे मुझसे क्योंकि मैं चीज़ें खोलता था लेकिन वो बंद नहीं होती थी जैसे नंबर वाली घड़ियाँ कैलकुलेटर मोटर वाली जो कार होती है उसकी मोटर खुल के मतलब मैं ऐसे करता था कि छः सौ की कार को तोड़कर मैं उसमें से बीस रुपए की मोटर निकाल के खेलता था तो इस तरह की चीज़ें मैंने की हैं इसलिए मुझे पेचकस चलाने का बड़ा शौक है तो मैं चीजें असेंबल कर लेता हूँ और आप भी कर सकते हो ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन असेंबल करने की बात जो है मैंने आपको बता दी आप नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग लैपटॉप के अलग अलग डिजाइन अलग अलग कॉम्पोनेंट अलग अलग साइज और अलग अलग तरीके होते हैं उनको कैसे खुलेंगे वो बंधेंगे और कोई भी एक यूनिवर्सल कैबिनेट नहीं है जिसपे आप इनके कंपोनेंट को सेट कर सको जबकि देखा जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में काफी हद तक कैबिनेट एक जैसे ही आते हैं ए टी एक्स वाले आते हैं मिनी वाले आते हैं थोड़े लेकिन एक कैटेगरी बटी हुई है कि उसी उसी के अंतर्गत आएंगे वो हार्ड डिस्क का भी जो केबल होता है वो भी एक जैसा ही होता है साटा केबल्स होते हैं वो भी एक जैसे ही होते हैं लेकिन लैपटॉप में इस तरह की चीजें नहीं होती है कॉम्पोनेंट सेम है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग मॉडल की अलग अलग होती हैं इसलिए आप एक यूनिवर्सल लैपटॉप नहीं बना सकते सिंपल एज दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साइबर सिक्योरिटी और अगर आप पे एक इथिका बनना चाहते हो तो टाइटी नाइन रुपीज की तीन कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए खरीदे आसान भाषा में हिंदी लैंग्वेज में आप तिकलाइन सीख सकते हैं अच्छा मौका है आपके पास भाई हैकर बन सकते हो हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर जरूर कर देना और देखो मेरी बत्ती चली गई है भगवान नाराज हो रहे हैं कि टेक्निकल सागर की वीडियो तुम शेयर नहीं करते <laughs> मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाय